हेलो गाइस, आज सेकंड डे है काम का, जो हम अंदर से सीलिंग करवा रहे हैं उसका सेकंड डे है आज। और अभी तक भी मतलब काम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, और होगा मतलब थोड़ा सा ही बचता है लेकिन है। और आज हम फिर यहीं पे, आज तो हमें खाना भी यहीं पे बनाना पड़ रहा है। देखिए अभी अभी मैं ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, मैंने सोचा चलो आज यहीं कर लेते हैं। थोड़ी बहुत हेल्प जो है वो शिकू करके गई है, तो मैंने कहा थोड़ा सा आपसे भी बातचीत कर ली जाए, आज मिली नहीं हूँ आपसे। बस ऐसे ही चल रहा है सिलसिला। और अभी वो भैया और वो उनका जो बच्चा है साथ में, भतीजा, वो भी साथ में काम कर रहा है दूसरे किचन में वो। और बस मैंने सोचा चलो आपको दिखा देती हूँ कि आज मैं यहाँ काम कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे ले आई सारा यहाँ, और पूरा फुल ऑन किचन यहीं पे शिफ्ट हो गई हूँ इस रूम में। और चलो फिर ठीक है गाइस, फिर जब छत बनती है फिर मैं आपसे मिलती हूँ। राजमा चावल बना रही हूँ मैं आज भैया लोग को खिलाने के लिए। राजमा मेरे उबल गए हैं, ये देखिए गाइस, ये बस मैंने कहा आज काम ख़त्म हो जाएगा तो कुछ उनको थोड़ा अच्छा खिला देती हूँ। हर तरह के रंग, मैंने कहा चलो अपने व्लॉग में घर का काम लगा था तो सोचा कि आपसे भी थोड़ी बातचीत हो जाएगी और अच्छा सा एक व्लॉग भी तैयार हो जाएगा, और आपको भी बता दूं कि हमारे घर का काम लगा है। पता नहीं इधर उधर सामान बिखरा पड़ा है ना, तो पता भी नहीं चलता कि कहाँ कहाँ क्या रख दिया हुआ है। ये राजमा तो हमारे रेडी हो गए हैं, बस अब हल्का हल्का इनमें उबाल आ जाए और थोड़े से मैं पकने रखूँगी ताकि सारा मसाला इनका एक सार हो जाए। 1 बजे तक खाना तैयार चाहिए। मैं कहा जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लेते हैं, और शाम की सब्ज़ी भी मैंने बना ली है, फ्रांस बीन आलू बना दिए। बस इसके बाद फिर जो सफाई का काम पड़ने वाला है ना, बहुत ज़्यादा, इतनी धूल इकट्ठी हो गई कि क्या बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा बहुत काम पड़ने वाला है। इसलिए फिर मैंने सोचा कि दिन में ही सब्ज़ी बना लूँ, आटा गूंदा पड़ा है। जो हमने शीट्स लगाई है ना गाइस, वो इतनी मतलब उनको काट काट के लगाया तो फिर उससे बहुत ज़्यादा धूल उड़ी है। और किचन का जो हाल है बताऊंगी आपको थोड़ी देर में, बहुत बुरा हाल है सच में, बहुत ज़्यादा। एक एक चीज़ एक एक डिब्बा छोटे से छोटा बड़े से बड़ा हर चीज़ धो के रखनी पड़ेगी। और फर्श का तो पूछो ही मत, इतनी धूल है बारीक, ओ माई गॉड, बहुत बुरा हाल है। पर चलो अब क्या करना, अंदर से सीलिंग हो गई है तो थोड़ा गर्मी को फ़र्क पड़ेगा, और भी कई चीज़ों से मे सेफ्टी हो जाएगी, तो चलता है इतना तो। बस इनको एक उबाल आ जाए तो फिर मैं चावल धोने जाऊंगी। अंदर तो अब जाना ही पड़ेगा, चावल लाने के लिए तो जाना ही पड़ेगा। इस सब का क्रेडिट मिस्टर सिंह को जाता है सच में। मैं तो बार बार यही बोलती हूँ, थैंक्स मिस्टर सिंह, थैंक्स फॉर योर अंडरस्टैंडिंग नेचर, थैंक्स फॉर योर लव, योर केयर। आप इतना समझते हो, मुझे ही नहीं, छोटे हर एक छोटे की, हर एक बड़े की, एक बच्चे की, एक मतलब बच्चे से लेके एक बड़े तक की हर एक की फीलिंग्स का आप इतना ध्यान रखते हो। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। मतलब मैं जितना थैंक्स करूँ उतना कम है। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको थैंक्स कर रहा हूँ कुछ भी है, लेकिन ये मेरे अंदर की फीलिंग्स हैं, मैं मेरे दिल की भावनाएं हैं ये, कि मैं आपका थैंक्स करूं हर चीज़ के लिए, आपका थैंक्स। देखिए गाइस ये बनने लग पड़े हैं राजमा। चलो फिर मैं आपको बाद में मिलती हूँ। ये देखिए गाइस
ये सीलिंग का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। देखिए ऊपर यहाँ पे नीचे का अगर आपको बताने लगूं तो क्या उफ इतना गंद पड़ा हुआ है इधर उधर कि क्या बताऊं। देखिए अब ये जो है ये मुझे और शिखु को साफ करना है। ये देखिए सारा, ये देखिए यहाँ सब क्लीन करना है मैंने और शिखु ने मिलके। ये देखिए हेल्प करने के लिए आ गई है वो। ये देखिए सब क्लीन करने हैं। उफ। हेलो गाइस, कल किस हाल में खड़ी थी मैं और आज आपके सामने किचन भी साफ और मैं खुद भी। जब कोई भी काम करना होता है ना तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है घर में। आपको जैसे मैं पहले आपसे बात कर ही चुकी हूँ तो अभी देखिए सब, अभी मैंने और शिखु ने और मिस्टर सिंह ने मिलकर कल शाम को, कल मतलब शाम को क्या 5 बजे शुरू हो गए थे और रात के 1-2 बजे तक हमने काम किया है। ये देखिए सब अब क्लीन हो चुका है सब। ये देखिए फर्श और हर चीज़, और ये छत कुछ इस तरह से बनी है। अब लाइट में मैं आपको क्या दिखाऊं, ये देखिए इस तरह से बनी हुई है छत। अब इस छत की वजह से आज हमने फील किया कि गर्मी भी बहुत कम महसूस हुई। यहाँ की हर चीज़ पे काम हुआ है कल रात को, हर चीज़ पे। ये देखिए हर हर एक 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 चीज़ में ना धूल मिट्टी जमी हुई थी। और ये देखिए, ये देखिए गाइस, और गाइस जो जिस रूम में हम शिफ्ट हुए थे आज वो भी मतलब नीट एंड क्लीन करके सब हर चीज़ मैनेज्ड करके रख दिया हमने। वो अब इस तरह का दिख रहा है, कुछ आपको बताती हूँ। इस तरह से छत का काम कंप्लीट हुआ और आप भी हमारे साथ इस जर्नी में, 2 दिन की जर्नी में साथ रहे। थैंक यू सो मच गाइस एंड बाय बाय।